से मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर हाँ, मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर हाँ, मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। छोटी छोटी बात, तेरी हर एक मुलाकात तड़पाए मुझको, लम्हा लम्हा तेरा साथ, लम्हा लम्हा तेरा साथ। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर हाँ, मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 9। मैं हूं आर जनरेश, वापस आ गया हूं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। हर जुमेरात यानी कि थर्सडे को हम आपके साथ होते हैं ठीक 10 बजे, जब आपकी घड़ी टाइम बताती है, और हम पहुंच जाते हैं एक घंटे का लाइव शो लेके। और आज भी एक पूरा फुल फ्लेज लाइव शो हम लेकर आए, यानी कि 10 से 11 के बीच हम होंगे आपके साथ। और पूरे एपिसोड का मतलब है कि आपको सब कुछ मिलने वाला है। हमेशा की तरह आपको शो का पहला सेगमेंट यानी कि अदब के झरोके से मिलेगा, और आज किसकी बात होगी इस सेगमेंट में वो आपको सुनने के बाद पता चलेगा। इसके बाद तेरी मेरी बात का सेगमेंट, क्या टॉपिक है वो मैं आपको कुछ लम्हों में बताने वाला हूँ। और इसके बाद होगी हमारी रेसिपी ऑफ द वीक, हेल्दी रेसिपी ऑफ द वीक। इस फीचर में आज आपको क्या मिलने वाला है वो भी आपको सुनने का मिलेगा। फिलहाल सबसे ज़रूरी ये कि क्योंकि ये लाइव शो है, इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़ें, अपनी बातें शेयर करें, और आप हमारे मसलों पे हमारे साथ जो भी डिस्कशन होता है उसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखना चाहते हैं, वो ज़रूरी है। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए शो में हमेशा की तरह दो मीडियम्स आज भी अवेलेबल हैं, और दोनों ही जो मीडियम हैं बहुत ही आसान है, जिन पे आप आसानी से जुड़ सकते हैं, और किसी तरह की आपको
दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे जो हम हमेशा आपसे मीडियम शेयर करते हैं अगर उन पे आप आते हैं तो वो बहुत ही आसान तरीके हैं। शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पहला मीडियम है हमारे लिए, शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि 9015173846। इस नंबर पर आप हमें नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप वॉइस नोट के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कॉल्स के बिना जुड़ना तो भी ऑप्शन अवेलेबल है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। उसके लिए आप हमारे पास आएं और क्लब हाउस पे लॉगिन करें जल्दी से, वहां पे आपको दिल से दिल तक लव टिप्स नाम से क्लब मिलेगा जिसको आपको ज्वाइन करना है। और इस क्लब के लाइव रूम में आप एंटर कर जाएं तो आप बिल्कुल हमारे साथ शो में शामिल हो सकते हैं। तो ये वो जरिए हैं जिनसे आप लाइव शो में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मन है सिर्फ आप अपनी बात हम तक लिख कर पहुंचाएं तो उसके लिए फेसबुक विजिट करें और वहां पे दिल से दिल तक के नाम से पेज जिसको आपको लाइक करना है, ग्रुप मिलेगा इसी नाम से आपको जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप अपनी कमेंट के थ्रू, अपनी पोस्ट के थ्रू अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और एक और आसान तरीका, अगर लिख कर ही कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radiodan.com, फीडबैक सेक्शन में जाएं, अपनी राय रखें और उसे पोस्ट कर दें। और अगर आप ये काम 11 बजे से पहले करेंगे तो उम्मीद है कि इसी शो में आप हमारे साथ शामिल हो पाएंगे। तो ये वो जरिए हैं बेसिकली जिनसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बातें शेयर कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि शो का पहला जो सेगमेंट है अदब के झरोके से, उसमें किसकी बात होगी ये तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये आपको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप सुनेंगे तो आपको आज मज़ा ज़रूर आएगा, इस बात की गारंटी हमारी तरफ से, क्योंकि आज हम जिस पर्सनैलिटी को आपके लिए लेकर आए हैं उनको आपने बहुत सुना है, पढ़ा है और उनको जब भी आप सुनते हैं तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन उसके बाद सेगमेंट आएगा दूसरा यानी कि तेरी मेरी बात, और तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं जिस पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी राय, अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। किसी भी तरह से जुड़ें वो आपकी चॉइस है, लेकिन जुड़ेंगे ज़रूर। और अक्सर आपने जो दुविधा मन में देखी होगी, जब आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलना होता है, किस तरह का इम्प्रेशन होना चाहिए, और आपके मन में जो एक डर रहता है हमेशा कि लोग आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे या फिर आप कैसा आपको जज करेंगे या आप किसी को जज करते हैं, ये बहुत सी बातें होती हैं जब हमारे मन में होती है, जब हमें कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो। तो सिंपली हमने जो आपसे सवाल पूछा वो भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ और बहुत आसान सा सवाल है। मुझे लगता है दिमाग पे इतना ज़्यादा जोर आपको डालना नहीं पड़ेगा अगर आप ईमानदारी से हमारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल सिर्फ इतना, हाउ टू जज समवन इन फर्स्ट मीटिंग। अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं, पहली दफ़ा आप किसी से मिले, तो आप उनको किस पैमाने पे, किस तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं, आपको ये पता कैसे चलता है कि वो व्यक्ति, वो पर्सन कैसा है इंडिविजुअली जो आपसे मिलने वाला है, कितना वक्त आपको लगता है, या पहली मीटिंग में भी अगर आप उनको जज करना, इनफैक्ट अगर आप उनके बारे में समझना, उनको उस पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, तो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिन पे आप सोचने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें हैं तो शायद ये व्यक्ति ऐसा है, और अगर ऐसा है तो शायद ये व्यक्ति ऐसा होगा। तो वो कौन सी चीज़ें हो सकते हैं जो आप, जिन पे आप फोकस करते हैं, हाउ टू जज समवन इन फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग में आप किसी को कैसे जज करते हैं वो आपको सोचना है। ये हमारे आज का मसला, आज का मौजू जिस पे आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो रहा है कि हम बढ़ें अपने पहले सेगमेंट यानी कि अदब के झरोके से, और अदब के झरोके का वक्त तो हो गया है, और किसकी बात आज होने वाली है वो आपको पता चलेगा इस सेगमेंट को सुन के। तो इस सेगमेंट को सुने, इंजॉय करें, मैं आऊँगा इस सेगमेंट के बाद अपने दूसरे सेगमेंट को लेकर। जिंदगी का बहाना जिंदगी का बहाना
लगी साहिल पर सुनती है ये हंसी अफसाना देखते हैं तारे बस गया वीराना चांद को शर्मा दे आपका शर्माना ओ सनम तेरे हो गए हम प्यार में तेरे खो गए हम मिल गया मुझको ए सनम जिंदगी का बहाना अदब के झरोके से मैं आर नरेश आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से आपके पास वापस आए हैं और एक बेहतरीन उर्दू शायर को आपके साथ लाए हैं जिनसे आप आज मुलाकात करेंगे। इनके बहुत से शेर आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे या सुने जरूर होंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बशीर बद्र की और इनका नाम बहुत ही अदब के साथ लिया जाता है। बशीर का जन्म 15 फरवरी 1935 को फैजाबाद यानी कि आज के अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शुरुआती जो शिक्षा है वो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुई। यहाँ पर ही इन्होंने अपना ग्रेजुएशन उसके साथ एमए और उसके बाद पीएचडी कंप्लीट किया। और मजे की बात ये कि इसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी सर्विसेज भी दी। इसी यूनिवर्सिटी में ये उर्दू के प्राध्यापक के रूप में काफी वर्षों तक काम करते रहे। इसके साथ साथ इन्होंने मेरठ कॉलेज में भी लगभग 17 सालों से ज्यादा काम किया। ऐसा कहते हैं कि 1987 के मेरठ दंगों में इनकी प्रॉपर्टी, बहुत सी गजलें, कविताएं, इन्होंने बहुत कुछ जो लिटरेचर के लिए या साहित्य के लिए लिखा था वो उस दंगों में नुकसान हो गया। उसके बाद ये भोपाल में शिफ्ट हो गए। इन्होंने अपने पूरे करियर में बहुत सी कविताएं लिखी, बहुत कुछ ऐसा लिखा जो आपने पढ़ा होगा, जिसमें दुश्मनी जम के करो एक लिखा था इन्होंने, जो 1972 में जब शिमला एग्रीमेंट हो रहा था। उसके अलावा ये उर्दू के लिए हमेशा बहुत कुछ लिखते रहे हैं और उन्होंने उर्दू के लिए क्रिटिकल एनालिसिस भी किया हुआ है अपनी गजलों में। इन्होंने कई किताबें लिख चुके हैं, इसीलिए इनको 1999 में पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। 2015 में इनके लिए एक मूवी बनी जिसका नाम था मशान, और मशान में इनकी कविताओं से, गजलों से बहुत सारा कंटेंट लिया गया। ये उन उर्दू शायरों में शुमार होते हैं जिनकी गजलों के शेर बड़े बड़े नेता पढ़ते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हों, भारत के प्रधानमंत्री हों, या और भी बहुत से नेता जो इनकी कविताओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। चलिए जल्दी से मैं भी आपको मिलवा रहा हूँ बशीर बद्र से और इनकी कविताओं का आनंद इनकी आवाज में आप भी हमारे यहाँ से लें। तो ये रहे बशीर बद्र। अगर तलाश करूं
कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, नई सी, न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो। मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं। दूसरा मिसा देखिएगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। रेत भरी है इन आंखों में, आंसू से तुम धो लेना। सुनिएगा, सुनिएगा। रेत भरी है इन आंखों में, आंसू से तुम धो लेना। कोई सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट के रो लेना। रेत भरी है इन आंखों में, आंसू से तुम धो लेना। कोई सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट के रो लेना। उसके बाद बहुत तन्हा हो जैसे जंगल का रास्ता, उसके बाद बहुत तन्हा हो जैसे जंगल का रास्ता। जो भी तुमसे प्यार से बोले साथ उसी के हो लेना। जो भी तुमसे प्यार से बोले साथ उसी के हो लेना। और शेर हजरत के कुछ तो लफ्ज नहीं है मेरे पास, मैं बेलफ्ज के शायरी करना चाहता हूं कि कुछ तो रेत की प्यास बुझाओ, कुछ तो रेत की प्यास बुझाओ, जन्म जन्म की प्यासी है। कुछ तो रेत की प्यास बुझाओ, जन्म जन्म की प्यासी है। साहिल पर चलने से पहले अपने पांव भिगो लेना। रोते क्यों हो, दिल वालों की किस्मत ऐसी होती है। रोते क्यों हो, दिल वालों की किस्मत ऐसी होती है। सारी रात यूं ही जागोगे, दिन निकले तो सो लेना। कि मैंने दरिया से सीखी है पानी की पर्दादारी। दूसरा मिसरा देखिएगा। मैंने दरिया से सीखी है पानी की पर्दादारी। ऊपर ऊपर हंसते रहना, गहराई में रो लेना। मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, ये हजार खानों में बट गई। मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, ये हजार खानों में बट गई। मुझे एक मुट्ठी जमीन दे, ये जमीन कितनी सिमट गई। मुझे एक मुट्ठी जमीन दे, मुझे पढ़ने वाला पढ़े भी क्या, मुझे पढ़ने वाला पढ़े भी क्या, मुझे लिखने वाला लिखे भी क्या, मुझे पढ़ने वाला पढ़े भी क्या, मुझे लिखने वाला लिखे भी क्या। जहां मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई। तेरी याद आए तो चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं तो गजल कहूं। तेरी याद आए तो चुप रहूं,
जो मैं चुप रहूं तो गजल कहूं। ये अजीब आग की बेल थी मेरे तन बदन से लिपट गई। मेरी बंद पलकों पे टूट कर कोई फूल रात बिखर गया। गजल का शेर सुनिएगा। मेरी बंद पलकों पे टूट कर कोई फूल रात बिखर गया। मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद चट गई। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 9। मैं हूँ आर जनरेश और हमारा पहला सेगमेंट यानी कि अदब के झरोके से आज आपने सुना बशीर बद्र को और जिनके बहुत से शेर बहुत सी गज़लें आप अक्सर सुनते रहते हैं पढ़ते रहते हैं और इनका एक शेर जो मुझे भी इस वक्त याद आ रहा है आपने अक्सर सुना होगा। सर झुकाओगे तो वो देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। तो बशीर बद्र का आपने बहुत कुछ सुना है पढ़ा है और इनको आज भी आप सुनते हैं, कई बार मौका मिलता हो तो आप लाइव भी सुन सकते हैं। तो एक बेहतरीन पर्सनैलिटी उर्दू अदब की तरफ से, एक बेहतरीन शायर जिन्होंने उर्दू की सेवा बहुत लंबे दशक से की है, एक लंबे वक्त से की और आज भी लगातार करते आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट और ये जो आज हमने आपके लिए पेश किया यानी कि बशीर बद्र को, आपको पसंद आए होंगे। उम्मीद करते हैं ऐसी कोई भी और ख्वाहिश हो आपकी, किसी को आप सुनना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप किसको सुनना चाहते हैं और किसके बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात, और तेरी मेरी बात में आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं जिस पे आपके साथ बात करनी है और वो हमने आपको पहले इस पहले सेगमेंट से पहले बताया था कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अपने लिसनर्स के लिए दोबारा से हम रिपीट करते हैं कि अगर आप
इस लाइव डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको बताना होगा हाउ टू जज समवन इन फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग में आप किसी को कैसे जज करते हैं, कैसे उनको मापते हैं, तोलते हैं, उनको किन पैरामीटर्स पे आप सटीक बैठाने की या समझने और जानने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो बिल्कुल शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि 9015173846 पर आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल के साथ साथ टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप वॉइस नोट के थ्रू भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो क्लब हाउस पे लॉग इन करें और क्लब हाउस में दिल से दिल तक लव टिप्स नाम के क्लब को ज्वाइन कर लें और इसके लाइव रूम में एंटर कर जाएं तो आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। और बेसिकली डिस्कशन को ओपन करूं, मैं आपके साथ ये बात जरूर शेयर करना चाहता हूं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं या कोई हमसे मिलने आ रहा होता है तो हमें बहुत झिझक रहती है, मन में हजारों तरह के सवाल होते हैं कि किस तरीके से आपको बैठना है, खड़े होना है, बात करनी है, कैसे चीज़ों को इनिशिएट करना है और या यूं कहें कि कैसे आप अपना अच्छा इम्प्रेशन डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप दूसरों को जज करते हैं वैसे ही सामने वाले भी शायद आपको जज करते होंगे। उनके भी कुछ पैरामीटर्स होंगे जिन पे वो आपके साथ बात करना चाहते होंगे, बताना चाहते होंगे, आपको जानना समझना चाहते होंगे। और इसमें हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स जुड़ेंगे वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत बेसिक सी जो चीज़ें शायद वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से जब भी आप किसी से मिलते हैं या कोई आपसे मिलता है तो शायद जो सबसे पहला चीज़ होती है जो आप दोनों जब मिलते हैं तो वो आपकी अपीयरेंस होती है कि आप किस ड्रेसिंग सेंस के साथ मिलने जा रहे हैं या मिलने आए हैं, किस तरह का ड्रेसिंग सेंस है, क्या आपने पहना है, कैसे लुक्स हैं, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हम एक पहले इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, लोग हमारे बारे में इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि हम कैसे होंगे, क्या हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा नहीं है या हमने जो ड्रेस पहनी है वो ओकेजन के अकॉर्डिंग नहीं है या जिस मीट के लिए हम आए हैं उस पे वो प्रॉपर सेट नहीं होती, ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं। इसके अलावा जो एक और बेहतरीन और मेरे ख्याल से जो सब एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मीटिंग में नहीं मतलब नॉर्मल लाइफ में भी आपके साथ होना चाहिए, कि आप किस तरह से स्माइल करते हैं, स्माइल आपके चेहरे पर रहती है कि नहीं रहती है, आप बहुत घबराए हुए हैं, टेंस लगते हैं या कुछ और परेशानी आपके चेहरे से झलक रही है, आपका कॉन्फिडेंस लो भी होता या नहीं होता ये आपके स्माइल से भी पता चल जाता है कि आप मिलते वक्त कितने कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं। ये भी एक अक्सर मसला रहता है कि जब आप किसी से मिलें तो किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आपका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, वहीं पे आपकी जो स्माइलिंग है, आपका जो स्माइल करना है वो भी इम्पैक्ट डालता है सामने वाले पर, या फिर आप पे सामने वाले का जो इम्प्रेशन उसकी स्माइल से भी आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ जो एक और बहुत कॉमन सी आसान सी बात हो सकती है जिस पे अक्सर हम गौर नहीं करते हैं वो शायद होता है कि आप किस तरह से हैंड शेक करते हैं या राजाबाद जैसे हम किसी से भी मिलते हैं तो उनसे को देख के और उनसे जब आप हाथ मिलाते हैं तो वो किस तरीके का आपका इम्प्रेशन जाता है आपके हैंड शेक से भी वो डिपेंड करता है, क्योंकि हाथ मिलाने के भी कई सारे जरिए हैं, किस तरीके से आप हाथ पकड़ते हैं, कितनी कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं, कैसी आपकी ग्रिप होती है, क्या आपका हाथ स्वेट कर रहा है या ठंडा है और या उसमें गर्माहट है, ये चीज़ें हैं और कितनी देर तक आप हैंडशेक करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं, आपका इम्प्रेशन या सामने वाले का इम्प्रेशन आपके लिए क्रिएट होता है इन सब चीज़ों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसके बाद हम अपने पार्टिसिपेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो टाइम है वो है हमारे छोटे से फीचर यानी कि रेसिपी ऑफ द वीक। रेसिपी ऑफ द वीक में आज कौन सी रेसिपी है जो आपको आज मिलने वाली है, एक लॉन्ग वीकेंड आने वाला है तो उसमें भी शायद मुझे लगता है कोई बहुत आसान सी रेसिपी आपको मिलने वाली होगी,
क्योंकि हम जो है रेसिपी आपको यहाँ से शेयर करते हैं वो नॉर्मली आसान भी होती हैं और साथ में हेल्दी भी होती हैं, तो उसका भी आपके लिए ध्यान रखते हैं कि आपको जो भी यहाँ से रेसिपी दी जाए वो हेल्दी फूड की रेसिपी हो, जिसको आप खा के इंजॉय करें, आप दोनों इंजॉय करें जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, और साथ में आपकी हेल्थ को भी कोई नुकसान ना हो। तो चलिए जल्दी से बढ़ रहे हैं रेसिपी ऑफ द वीक की तरफ और इसके बाद वापस आएंगे और फिर आपके साथ डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ कि वो इस पूरे मसले पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और कैसे वो अपनी राय रखते हैं। फिलहाल रेसिपी ऑफ द वीक। मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया, ओ मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया। ये मर्जियों का मालिक कैसे मना लिया, ओ मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया। कैसे मना लिया, ओ मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया। कैसे मना लिया, ओ मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया। धीरे धीरे तू मेरे अरमान दिल का हुआ, इश्क तेरा क्यों मेरे ईमान दिल का हुआ। तू मिला उस दफा नजर से हुआ, आंखों के कसूर में नुकसान दिल का हुआ। दिल से दिल तक वा रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज फिर लवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर एक रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हैं हर बार की तरह। तो आज हम आपके लिए लाए हैं
बहुत ही हेल्दी और बहुत आसानी से बनने वाला ब्रेकफास्ट, स्प्राउट चाट। स्प्राउट चाट के लिए आपको स्प्राउट्स लेने हैं, आपको इजीली बाज़ार में अवेलेबल मिल जाएंगे बने बनाए स्प्राउट। लेकिन आप अगर घर में बनाना चाहते हैं तो उसकी विधि हम आपको नेक्स्ट ऑडियो में बताएंगे। तो स्प्राउट आपको इजीली मिल जाएंगे, अगर आप मूंग की दाल के लेना चाहते हैं तो मूंग की दाल के, या चने की दाल के लेना चाहते हैं तो चने की दाल के, या अगर आप मिक्स लेना चाहते हैं तो मिक्स भी ले सकते हैं। स्प्राउट चाट के लिए हमें चाहिए एक पैकेट स्प्राउट, साथ में कुछ प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची अगर आप खाना पसंद करते हैं तो, और कुछ खीरा। स्प्राउट चाट के लिए हमें सबसे पहले अपने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, एक चम्मच के करीब। उसके बाद प्याज और टमाटर को बहुत ही हल्का हल्का फ्राई करना है, खड़ा रखना है और स्प्राउट को डाल देना है। 5 से 7 मिनट उसे ढक कर रख देंगे तो स्प्राउट हमारे थोड़े से पक जाएंगे। उसके बाद आप उसमें नींबू, चाट मसाला और बारीक बारीक खीरा काट कर डाल सकते हैं और ब्रेकफास्ट में हेल्दी ब्रेकफास्ट का मज़ा ले सकते हैं। तो आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, आप इस ब्रेकफास्ट को बनाइए, 3 दिन की छुट्टी है, बनाइए और खाइए और अपने से प्यार करने वालों को भी खिलाइए। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, सुनते रहिए दिल से दिल तक और रेडियो उड़ान। बिल्कुल, बहुत ही आसान सी रेसिपी आज हमको मिस लवी ने दी है, इसका मतलब ये जो 3 दिन आपके आने वाले हैं बहुत आसान हो जाएंगे। और अगर बॉयज़ इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो भाई आप हेल्दी खाना भी खाएंगे, इनफैक्ट ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी हो जाएगा और आप फैमिली को, अपने पार्टनर्स को और खुश करना चाहें तो ये आसान तरीका, शायद इससे आसान रेसिपी शायद मुझे नहीं लगता है जो आज तक हमने अपने इस पूरे शो में कभी भी शेयर की हो, तो शायद ये सबसे आसान रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मिस लवी हमारे साथ इस रेसिपी को शेयर करने के लिए। वापस हम अपने दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात, और तेरी मेरी बात में आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं एक छोटे से सवाल पे, हाउ टू जज समवन इन फर्स्ट मीटिंग। पहली मीटिंग में अगर आप किसी के साथ हैं तो किस तरीके से आप उनको जज करते हैं या किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को जज करते हैं वैसे सामने वाले भी आपको जज करते हैं। मैंने आपके साथ 3 बेसिक चीज़ें शेयर की हैं जिसमें अपीयरेंस है, आपकी स्माइल है, आपके हैंड शेक हैं, इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं। फिलहाल हमारे साथ शरद हैं। शरद, बहुत बहुत स्वागत है शो में, और बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो। तो कुछ चीज़ें तो आपने अभी शेयर करी हैं जो कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम करते हैं किसी को जज। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी के सामने होते हैं तो होना ये चाहिए कि हम उन्हें जज कर रहे हैं, इसका उन्हें पता भी ना लगे कि हम उन्हें जज कर रहे हैं। उसके लिए हम कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रख के चल सकते हैं, अगर क्योंकि हम अगर पर्पजली, हमारा पर्पज है कि हम सामने वाले को जज करें, हमको ये पता लगे कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, तो उसके लिए एक तो चीज़ होती है कि एक जो मैंने महसूस किया है वो क्या है कि हर इंसान जो आपके सामने होता है कुछ ना कुछ उसके बॉडी से एक वेव निकलती है और वो वेव्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। उन वेव्स के थ्रू आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस तरह का है जी। तो उन वेव्स को पकड़ लेना बहुत जरूरी होता है, उस वेव को पहचानना बहुत जरूरी होता है, और वो मेरे हिसाब से तो वो वेव जो है वो सभी के बॉडी से निकलती है और जो आपके सामने होता है तो आप उसको पकड़े, एक तो ये है। दूसरा, कुछ बहुत बेसिक से सवाल जिस जो सामने वाला व्यक्ति पहचान भी नहीं सकता कि आप उसे जज कर रहे हैं, लेकिन आप पूछ सकते हैं जिससे उसके करेक्टर के बारे में, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में आपको बहुत कुछ पता लग सकता है। फॉर एग्जांपल, उसके लाइक्स क्या हैं, उसके डिसलाइक्स क्या हैं, और उसकी हॉबीज क्या हैं, किस तरह के फ्रेंड्स बनाना वो पसंद करता है, किस तरह का खाना खाना पसंद करता है। तो ये चीज़ें जब आप उससे सवाल को, इस तरह के सवाल जब आप करेंगे तो उसको ये लगेगा कि ये बहुत नॉर्मल सवाल है, लेकिन आप बेसिकली उसके बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। काफ़ी कुछ तो नहीं, पर ये है कि एक जो पहली मीटिंग में एक बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको हम जानना पसंद करते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, किस तरह का वो व्यक्ति है,
उस उन चीज़ों के बारे में हम काफ़ी हमें मतलब पता लग सकता है इस तरह के सवाल अगर हम उससे पूछते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहूँगा कि किसी को फर्स्ट मीटिंग में, सिर्फ एक मीटिंग के बाद ही हम किसी के बारे में जजमेंटल नहीं हो सकते। ओके मुझे ऐसा लगता है कि एक मीटिंग, सिर्फ एक मीटिंग से हम किसी भी तरह की ओपिनियन किसी के बारे में, एक परफेक्ट ओपिनियन नहीं बना सकते। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये कुछ सवाल या फिर जो आपने बातें कही थी उन चीज़ों को मिला दिए अगर, तो कुछ चीज़ें तो हम उसके बारे में जान सकते हैं, कुछ अंदाज़ा लग सकता है उसकी लाइफ के बारे में, उसके अपने करेक्टर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, नेचर के बारे में, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से जजमेंटल शायद हम उसके बारे में नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू शरद। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो ये कि पहली मीटिंग में आप किसी के साथ जजमेंटल हों या ना हों, या किसी को जज करें ना करें, शरद क्या ये पॉसिबल है कि हम जब किसी से मिले या कोई हमसे मिले तो हम ये इंटेंशन के साथ जाएं कि पर्पसली हम उनसे जिनको जज करना चाहते हैं, या अगर आप ऐसा कुछ ना भी सोच के जाएं तो उनके हाव भाव से, उनकी बातचीत से, पहनावे से, और जो भी वो उस टाइम आपको जैसा भी वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ इम्प्रेशन या कुछ ना कुछ जज तो हम जरूर करते ही करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कुछ चीज़ें पहले शेयर की और जैसे मैंने कहा कि कुछ ना वेव्स निकलती हैं सामने वाले, अगर आप किसी के सामने, किसी के साथ भी आप बैठते हैं थोड़ी देर, अगर आप उसके साथ समय गुजारते हैं तो कुछ ना कुछ उसके बॉडी से वेव्स निकलती हैं, या फिर जब आपके साथ वो व्यक्ति कुछ समय बैठा होता है, सामने बैठा होता है, तो उसकी अपनी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब कोई व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन देख रहा है, कोई व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर में उठ जा रहा है, या कुछ भी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ उसकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप जैसे कोई व्यक्ति बहुत चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो अंदाज़ा लग सकता है कि हाँ भाई ये बहुत शांत किस्म का व्यक्ति है। कोई व्यक्ति बहुत बोल रहा है, हम कहते हैं भाई बहुत टॉकेटिव है, इस तरह की कुछ चीज़ें तो पता लग ही जाती हैं सामने वाले व्यक्ति के साथ हम जब थोड़ा सा समय बिताते हैं, तो ये कुछ चीज़ें तो हम पर्सनली ना भी हम अगर जज किसी को करना चाहें तो भी हमको ये कुछ बातें पता लग सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वास्तव में हमारे मन में ये पर्पज़ है कि भाई हम सामने वाले व्यक्ति को, जब अगर मान लो हम किसी से मिल रहे हैं और हमको जानना होता है कि कुछ लोगों की ये इंटेंशन होती है कि हम सामने वाले व्यक्ति के साथ अगर हमने पहली बार हम मिले हैं उससे, तो हम कोशिश करें कि जाने कि भाई उसका अपना किस तरह का स्वभाव है, नेचर कैसा है, बेसिकली हम किसी का नेचर जानना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हम आगे उसके साथ आगे हम और मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किस तरह का रिलेशनशिप रखेंगे, है ना। तो इन इन चीज़ों के आधार पर ही ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो कई बार ये पर्पस हमारे मन में आ जाता है, तो उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कुछ चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं, जो मैंने पीछे बोला उन चीज़ों को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ आशीष अग्रवाल। आशीष, आप भी कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं, स्वागत है शो में। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और आपकी बात जो आपने बोली मैं बहुत सही लगी, और सौरव जी ने भी बोला बिल्कुल सही लगी जी। और किसी को जज करने की बात वही है कि हम कितना उसके साथ समय बिताते हैं। और फर्स्ट मीटिंग में हम लोग मान लीजिए वो व्यक्ति जो है उसका बहुत पॉइंट में ही कोई परसेंट को जान पाते हैं, और जान करके जो अपने मन में उसके प्रति राय कायम करते हैं वही जज करना है जी। तो और वो पूर्णतः मतलब फुल्ली टोटली उसको जज करना कि वो व्यक्ति कैसा है क्या नहीं है, और क्या हैबिट्स है, क्या आदतें हैं, क्या स्वभाव है, क्या बिहेव है, वो जानने के लिए इंसान को तो पूरी पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। बिल्कुल, फर्स्ट मीटिंग में तो इंसान का तो मेरा मानना है कि एक सीक्रेट बुक है। आप डेली लाइफ इंसान के साथ बिताते हैं या जितना ज़्यादा समय बिताते हैं तो नए नए रहस्य आपके सामने खुल के सामने आते रहते हैं। और ये तो है कि आप जब फर्स्ट मीट में किसी के साथ जाते हैं तो वो व्यक्ति आपको उसे समझ में आता है कि जब वो कुछ अगर आपके साथ माफ फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरों में उस व्यक्ति से आपने अपनी मीटअप रखी है, तो वो रेस्टोरों में वो आ रहा है, उसके आने का क्या तरीका है, अगर वो किसी व्यक्ति की हेल्प ले रहा है तो अगर वो उसको कर्टसी वाइज ये अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है,
तो आपको समझ में आता है वो व्यक्ति हम्बल है और रेस्पेक्ट की भावना रखता है। तो एक्टिविटीज जो होती है ना बहुत कुछ मिलकर समझ में आती है। तो समय देना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी व्यक्ति को। तो समय से आपको देने से क्या, आप इन्वेस्ट करते हैं समय, तो इन्वेस्टमेंट का नियम ही है, आप इन्वेस्ट करोगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलता है। तो इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा जानने मिलता है समय। बिल्कुल, जो आशीष कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो आपसे मिलने आ रहा है या जिसके पास आप मिलने जा रहे हैं, आपकी एक्टिविटी या उनकी एक्टिविटी काफ़ी कुछ आपके जेस्चर्स के बारे में बता देती है कि आप किस पर्सनालिटी के इंसान हो सकते हैं, और जहाँ तक आप अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं जो आपको मिल रहे हैं वहाँ पे या जो आपके आसपास हैं। अगर आप इनफेक्ट आप रेस्टोरेंट में हैं तो वहाँ पे आपका बिहेवियर कैसा है तो वो भी एक मैटर करता है कि आपकी जी जी हाँ नहीं, जैसे आपने बोला कि आप फॉर कोई पब्लिक प्लेस में है तो आपका बिहेव कैसा है, आपकी एक्टिविटीज कैसी है, फॉर आपको आपने किसी की हेल्प ली तो आपने उसको अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हुए आपने उनको थैंक्स कहा या कुछ दुख अच्छे शब्द कहे, तो इससे क्या आपको कुछ जाता नहीं है, पर वो क्या है आपने दूसरों के लिए एक अच्छा दरवाज़ा खोल दिया। जिस व्यक्ति ने आपकी हेल्प किया है, आपकी मदद की, तो वो क्या है नेक्स्ट टाइम अगर कोई बंदा होता है ना तो वो उनकी मदद करने के लिए भी आपसे रिलेट करेगा वो, और निसंकोच और अच्छे मन से कि उस पर्सन की भी वो व्यक्ति हेल्प करेगा। तो इसलिए क्या है कि आपको समझ में आता है फर्स्ट टाइम मीटअप रखें तो मतलब सोशली किसी ऐसी जगह पर रखें, और हमेशा एक जगह पर किसी से नहीं मिलना चाहिए, तो क्या आप ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते उस इंसान को, हमेशा थोड़ी अलग अलग जगह मीटअप रखनी चाहिए। तो क्या नई नई चीज़ें सामने आती, फॉर आप कहीं बैठ के आप रेस्टोरेंट में आप बात कर रहे हो तो वो व्यक्ति कितना लाउड और कितना सॉफ्टली बात कर रहा है उससे भी आप उसके बारे में पता चलेगा। वो व्यक्ति अगर कुछ खाने के लिए आप ऑर्डर किया आपने खा रहे हैं तो उनकी फूड हैबिट्स के बारे में आपको पता चलेगा, और कई सारी मतलब अनकाउंटेबल चीज़ें हैं जिन्हें बताना पॉसिबल नहीं है उतना। वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आप जितना इन्वेस्ट करेंगे टाइम, जितना अपना आप एक्सपीरियंस करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आशीष की कि आप कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं उन्हें, ये भी जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ यहाँ से शेयर करना चाहता हूँ। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और ईमानदारी से बताऊं तो ये पूरा खेल आपकी मीटिंग शुरू होने के कुछ मिनटों या शायद कुछ सेकंडों का ही खेल होता है, जहाँ पे आपके लोग जज कर लेते हैं। तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने नर्वस हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं, और किस तरीके की आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, क्या आप आई कॉन्टैक्ट डेवलप कर पा रहे हैं, आप कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। साथ में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद हम अक्सर मिस कर जाते हैं, वो होती है कि हमारी पंचुअलिटी या आपकी जो टाइमिंग है, आप कभी मिलने जा रहे हैं, आपके पास कोई मिलने आ रहा है, उनकी जो टाइमिंग है क्या वो बिल्कुल टाइम पे आते हैं या फिर वो कुछ पहले पहुंच जाते हैं और आपका वेट कर रहे हैं, क्या वो आपके आने के बाद या आप जिसके पास जा रहे हैं आप उनसे लेट पहुंच रहे हैं वो बंदा आपका वेट कर रहा है, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपके बारे में जो इम्प्रेशन होता है वो ऑब्वियसली नेगेटिव होता है, क्योंकि जब आप किसी को वेट करवाते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और अगर आप उनके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो शायद आप उनकी भी वैल्यू ना करें, एक बहुत नेगेटिव सा इम्प्रेशन जाता है किसी के लिए भी किसी का। इसके साथ जो आपके मैनर्स हैं वहाँ पे आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, जिसको लेके आशीष बात कर रहे थे, उसमें कुछ चीज़ें और भी मैं ऐड कर दूँ, जिसमें आप जब किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप कितने कॉन्फिडेंटली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ये बात तो साथ में रहेगी। उसके अलावा आपकी हैबिट्स कैसी हैं, अगर आप स्मोक करते हैं तो आप उनके साथ में स्मोक कर रहे हैं, या फिर आप कुछ और ऐसी चीज़ें जो शायद सामने वाले को ना पसंद हो या सोशली इतनी एक्सेप्टेड ना हो, उनको खा रहे हैं या उनका इस्तेमाल कर रहे हैं,
इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि आप उन किसी सामने वाले से बात करते करते डिस्ट्रैक्टेड शो करवाते हैं, आप दाएं बाएं बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, दूसरे लोगों को आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि आप हर एक या दो मिनट में आप अपना मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो सामने वाले के मन में आपका जो इम्प्रेशन है, आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, वो क्रिएट नहीं कर पाती। और इसका एक एग्जांपल आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस याद कर सकते हैं प्रीवियस मीटिंग्स के, जहाँ पे आपके साथ लोगों ने इसी तरीके का बिहेव किया हो, चाहे उन्होंने स्मोक किया हो या वो अपने बार बार अपने स्माइल ना कर रहे हों, अपने मोबाइल फ़ोन को चेक कर रहे हों, अपने सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हों आपके साथ बात करते करते, तो आपको उनके बारे में जो एक इम्प्रेशन आता है और बड़ा पॉजिटिव नहीं होता वो। और अगर आप इसको महसूस कर पाएँ तो आप भी ये भी जान पाएंगे कि सामने वाला भी शायद आपके लिए ऐसा ही फील करता होगा। तो ये कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप पहली मीटिंग में मिलते वक्त किसी से इस्तेमाल कर सकते हैं या इनका ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई और कुछ कहना चाहें तो मेरे ख्याल से माइक ओपन है, आप कुछ भी अपनी बात क्लोजिंग कमेंट्स में कह सकते हैं। चलिए, कोई और नहीं जो कुछ नहीं कहना चाहता फिलहाल, मुझे लगता है आज का डिस्कशन इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा और जो पॉइंट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको ठीक लगे होंगे। अगर आप भी इन पॉइंट्स में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ और चीज़ें हमें बताना चाहते हैं, तो फिलहाल जो ऑप्शन है वो ये कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radiodan.com, फीडबैक सेक्शन में जाएं, शो का नाम चूज़ करें, दिल से दिल तक अपनी ईमेल आईडी टाइप करें और अपने सजेशन, अपनी बातें हमको लिख कर सेंड कर दें, हम उनको पढ़ेंगे और उनका रिप्लाई भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक इस डिस्कशन को नहीं सुना है या आप वक्त नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, आप YouTube पर जाएं और @ दिल से दिल तक विद आरजे नरेश सर्च करें, दिल से दिल तक का चैनल आपको मिल जाएगा। वहां पे आप इस शो के वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जब आपके पास वक्त हो, जब आपका अच्छे गाने सुनने का मन हो, जब अच्छा डिस्कशन सुनने का मन हो, आप हमारे शो सुने, उन पे कमेंट करें, अपनी बातें शेयर करें। ये भी एक जरिया है जो शायद सबसे आसान है, जिसमें टाइम लिमिट नहीं है या टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आप कब हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जब भी आप फ्री फील करें और अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहें तब आप YouTube पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं वो भी आप हमें इन्हीं मीडियम्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज का डिस्कशन इतना ही और जो वक्त है वो कह रहा है कि मैं आपसे प्रॉमिस करूं कि नेक्स्ट वीक हम आपके साथ वापस आएंगे एक और ब्रांड न्यूज शो लेके। और ब्रांड न्यू शो में हमेशा की तरह होगा नया सेगमेंट, नई पर्सनालिटी, नई रेसिपी और नया डिस्कशन। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो डॉन फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। खुशी का आंखों में है ख्वाब सा, किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का रिश्ता नया रहा, दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओ तेरी ओ तेरी तेरी।
घटाएं, सर पे नया है आसमान, चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, क्यों सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर, कोई जोर तेरी ओ तेरी। रहा है खींचे मुझे कोई।